हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पत्रातु ब्लॉग वन। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वह है भारत के राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। चलिए आज के इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन में, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आप यहां देख सकते हैं कि 3:2 है, यानी 3 ऐसे है और 2 ऐसे है, यानी लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है। तो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रीय ध्वज पर 3 रंग की पट्टियाँ होती है, वह 3 रंग कौन कौन है? पहला है केसरिया रंग, दूसरा है सफ़ेद रंग, तीसरा है हरा रंग। तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे केसरिया रंग का जो प्रतीक है वह किसको दर्शाता है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हरा रंग, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 9th पर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग गहरा नीला है। कैसा है? गहरा नीला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वें क्वेश्चन बोलता है, भारत के झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो कब आया है? 22 जुलाई 1947 को। 11th क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब 12वें क्वेश्चन में, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 26 जनवरी 1911 में, और कहाँ गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन पर। और संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ राष्ट्रीय गान को कब संविधान सभा में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन में। बोलता है, राष्ट्रीय गान जनगणमन को संपूर्ण रूप में गाने में कितने का समय लगता है? तो कितने का समय लगता है? 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसको गाने में कितने समय लगता है? तो इसको वंदे मातरम को जो गीत है हम लोग को कितना समय लगता है? 65 सेकेंड लगता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब और कहाँ गाया गया था और कौन सा अधिवेशन में गाया गया था? तो आप देख सकते हैं पहली बार कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में, और कहाँ गाया गया था? कोलकाता में, और कौन सा अधिवेशन था? 12वें अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। ठीक, तो अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो कितने शेर दिखाई देते हैं? आप देख सकते हैं 3 शेर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 19वें क्वेश्चन में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमय जयते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? तो भारत का
राष्ट्रीय पंचांग 1957 में अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा और पसंद लगा हो। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।